नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जगत जानकारी में। सो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स और आप लोग NM से जुड़े हुए जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए एक बहुत गुड न्यूज निकल के सामने आई है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। सब इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए और साथ साथ जितने भी और कैंडिडेट्स, जितने भी अलग अलग ब्रांचेस जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं, उन सभी स्टाफ नर्स और NM के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई है। तो पूरी की पूरी चीजें के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सब इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। क्योंकि जैसे आप ऑल पे क्लिक करेंगे जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, वो सब आपके पास आसानी से पहुंचते रहेंगी। उसके साथ साथ हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और आप अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अगर वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कि क्या इन्फॉर्मेशन आई है स्टाफ नर्स और NMs के लिए, क्या गुड न्यूज निकल के सामने आया है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रत्येक वीडियो में हम क्विज टाइम करके क्वेश्चन सीरीज चलाते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है आपको बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, करंट अफेयर से लिया गया क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले को जूरी स्पेशल मिशन अवार्ड मिला है। आपको इसका आंसर बताना है कि हरियाणा के किस जिले को जो है वो जूरी स्पेशल मिशन अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज रिसीव्ड द जूरी स्पेशल मिशन अवार्ड। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो को लास्ट में इसका आंसर देखने को भी आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप बताते हैं आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन के स्टाफ नर्स और NM से जुड़े हुए जितने भी कैंडिडेट्स के लिए उनके लिए क्या गुड न्यूज निकल के सामने आइए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग काफी दिन से जो है अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो इसी बीच एक नई भर्ती निकल के सामने आई है जो कि है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो उत्तर प्रदेश में आप लोगों की लगभग जो है बहुत सारी पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसका आवेदन जो है वो 21 तारीख से परसों से ही स्टार्ट कर दिया गया था। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं, ये मैं टेलीग्राम पे अपने आप लोग नीचे देख लिंक मिल रहा होगा, वहां पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को ये पूरा का पूरा जो है नोटिफिकेशन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, वहां से पूरा रीड कर सकते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो भर्ती है वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UPPSC जो है वो करा रही है, जिसका एडवर्टाइजिंग नंबर है 1A। सबसे पहले 2022 में सबसे पहली भर्ती निकाली गई है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। साथ साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्टाफ नर्स की भर्ती है, जिसमें आप लोगों के लगभग 588 पद के लिए वैकेंसी जो है वो निकाली जा रही है। इसमें आप लोगों का जो जो सैलरी होगा वो 9,300 रुपए लेकर 34,800 रुपए तक आपको होने वाली है, जो कि पे ग्रेड आपको 4,600 रुपए है लगभग। लोकेशन आपकी उत्तर प्रदेश होने वाली है। और आप लोगों को ये इन्फॉर्म कर दें कि यहाँ पे आप लोगों का 21 फरवरी से आवेदन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन किया जाएगा, पेमेंट भी सब ऑनलाइन होंगे। कैटेगरी जो होगी यहाँ पे वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ से कैटेगरी निकाली गई, ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों का ये जो नोटिफिकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कोई भी इच्छुक विद्यार्थी जो इसमें जाना चाहते हैं, स्टाफ नर्स और NM से जुड़े हुए, जिन्होंने नर्सिंग और साथ साथ नर्सिंग का BSc नर्सिंग या NM की जो डिग्री ली है, वो अगर जाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा है। 588 पदों के लिए यहाँ पे निकाली गई है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टाफ नर्स मेल वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बताते हैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले को पूरी जूरी स्पेशल मिशन अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो हरियाणा के करनाल जिले को, हरियाणा के करनाल जिले को जो है वो जूरी स्पेशल मिशन अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी विद्यार्थी इच्छुक हो तो वो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहां पे मैंने इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है अपलोड किया है, वहां से आप लोग क्लिक करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म भरना चाहे तो 21 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, और जो कि लगातार जो है आप लोगों के 21 तारीख से स्टार्ट हुआ है, या 17 फरवरी तक लगातार वो चलता रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अपने टेलीग्राम चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।